नमस्कार, आज फिर मैं हिंदी विषय के अंतर्गत CBSE बोर्ड क्लास 9 हिंदी कोर्स से क्षितिज काव्य खंड के अंतर्गत पाठ रसखान के सभी MCQs का पहला भाग लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रसखान अगले जन्म में कहाँ निवास करना चाहते हैं? विकल्प आगरा में, ब्रज के गोकुल गांव में, ग्वालियर में, झांसी में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्रज के गोकुल गांव में। प्रश्न नंबर दूसरा, गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर क्यों उठाया था? विकल्प पर्वत से बदला लेने के लिए, ब्रजवासियों को सबक देने के लिए, कंस का घमंड दूर करने के लिए, ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए। तो सही उत्तर इसका होगा ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर तीन, रसखान किस पर तीनों लोग निछावर करने को तैयार हैं? विकल्प कृष्ण की लाठी और काले कम्बल पर, कृष्ण के महल पर, मथुरा की गायों पर, कृष्ण की बांसुरी पर। तो सही उत्तर होगा इसका कृष्ण की लाठी और काले कम्बल पर। प्रश्न नंबर चार, रसखान का ब्रजभूमि से लगाव क्यों है? विकल्प वहाँ उनका जन्म हुआ था, ब्रज में उनके संबंधी रहते हैं, कृष्ण से गहरा प्रेम होने के कारण, ब्रज में शिक्षा ग्रहण करने के कारण। तो सही उत्तर होगा कृष्ण से गहरा प्रेम होने के कारण। ठीक, उनका ब्रजभूमि से लगाव का मुख्य कारण यही था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? ब्रजभूमि में, इसीलिए उन्हें ब्रजभूमि से लगाव था। अगला प्रश्न नंबर पाँच, रसखान पशु बनकर कहाँ रहना चाहते हैं? विकल्प मथुरा में कंस की सेना के बीच, ब्रजभूमि में नंद की गायों के बीच, अयोध्या में राम की गौशाला में, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजभूमि में नंद की गायों के बीच। देखो, रसखान कहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हो? ब्रजभूमि में हो, भले ही हमारा पशु के रूप में हो, पक्षी के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में, लेकिन हो कहाँ? ब्रज में। अगला प्रश्न नंबर छः, नंद की गाय चराने के लिए रसखान कौन कौन सा सुख त्यागना चाहते हैं? विकल्प केवल नवनिधियों का सुख त्यागने को तैयार हैं, केवल आठों सिद्धियों का सुख त्यागने को तैयार हैं, आठों सिद्धियों और नवनिधियों का सुख त्यागने को तैयार हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आठों सिद्धियों और नवनिधियों का सुख त्यागने को तैयार हैं। प्रश्न नंबर सात, रसखान ने सवैया किस भाषा में रचे हैं? विकल्प अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, बुंदेली में, मालवी में। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर आठ, रसखान ब्रजभूमि के किस के करील कुंजों पर क्या निछावर कर देना चाहते हैं? चांदी के करोड़ों गहने, सोने के आभूषण, हीरों का हार, सोने के करोड़ों महल। तो इसका सही उत्तर होगा सोने के करोड़ों महल। प्रश्न नंबर नौ, रसखान कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं? विकल्प लाल पत्थर, गोवर्धन पर्वत का, काला पत्थर, महेंद्र पर्वत का। तो सही उत्तर होगा गोवर्धन पर्वत का। अगला प्रश्न नंबर दस, कालिंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? विकल्प यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न नंबर ग्यारह, पशु बनने की स्थिति में कवि क्या चाहता है? विकल्प गाय बनकर कृष्ण का स्नेह, कृष्ण की बांसुरी बजाकर नाग के दर्शन, ग्वाल बनकर मंदारी, ब्रज का मुखिया। तो इसका सही उत्तर होगा गाय बनकर कृष्ण का स्नेह। अगला प्रश्न नंबर 12, रसखान पक्षी के रूप में कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? विकल्प यमुना तट पर खड़े कदम्बों की डाल पर, गंगा नदी पर खड़े नीम की डाल पर, यमुना तट पर खड़े आम के पेड़ों पर, यमुना तट पर खड़े बबूल की डाल पर। तो इसका सही उत्तर होगा यमुना तट पर खड़े कदम्बों की डाल पर। कदम्ब क्या है? एक पेड़ है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मनुष्य का जन्म मिलने पर स्कान ने क्या इच्छा की? विकल्प, ब्रज में बकरी चराने की, गोकुल के गांव में विहार की, मथुरा में कंस से युद्ध करने की, आगरा का किला घूमने की। तो सही उत्तर होगा गोकुल के गांव में विहार की। प्रश्न नंबर 14, रसखान अपनी आंखों से क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है? विकल्प, ब्रज के मंदिर और मस्जिद, ब्रज के वन बाग और सरोवर, ब्रज के गांव और भेड़ें, ब्रज के पेड़ और खेत। तो सही उत्तर होगा ब्रज के वन बाग और सरोवर। प्रश्न नंबर 15, रसखान नंद की गाय चराने के लिए क्या मूल देना चाहता है? विकल्प, 40 गांव, सोने के महल, आठों सिद्धियों और नवोनिधियों का सुख, हीरों का आभूषण। तो सही उत्तर होगा आठों सिद्धियों और नवोनिधियों का सुख। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रसखान का निम्नलिखित में से किससे गहरा लगाव है? विकल्प, मथुरा के पेड़ों से, ब्रज भूमि से, आगरा के पेठा से, भरतपुर की गायों से। तो सही उत्तर क्या होगा? ब्रज भूमि से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, रसखान ब्रज भूमि में ही जन्म क्यों लेना चाहते हैं? विकल्प, कृष्ण से मित्रता के कारण, कृष्ण से प्रेम के कारण, नंद बाबा से परिचित होने के कारण, कंस का शत्रु होने के कारण। तो सही उत्तर होगा कृष्ण से प्रेम के कारण। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर रसखान की क्या इच्छा है? विकल्प, कृष्ण का भाई बनने की, ब्रज का राजा बनने की, कृष्ण के बाल सखा बनने की, मथुरा की गाय पालने की। तो सही उत्तर होगा कृष्ण के बाल सखा बनने की। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से रसखान की कौन सी रचना है? विकल्प, प्रेम वाटिका, साखी, वाक, बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सही उत्तर होगा प्रेम वाटिका। प्रश्न नंबर 20, रसखान का पूरा नाम क्या है? विकल्प, सुलेमान, मोहम्मद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, जाबिर हुसैन। तो सही उत्तर होगा सैयद इब्राहिम। इस प्रकार रसखान के सवैये के MCQs का पहला भाग समाप्त हुआ। अब हम फिर मिलेंगे दूसरे भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।